अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ सिंपल सूट जो मैंने रमज़ान के लिए सिलवाए हैं और एक सूट मैंने इनमें से शबकदर के लिए सिलवाया है। तो सिंपल सूट्स हैं कॉटन के, डेली वेयर। अगर आपको कुछ सूट्स के डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर से बनवा सकते हैं, और इसलिए मैं कुछ डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि साइड में हमारे पड़ोस में घर बन रहा है, तो प्लीज़ इस नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा साउंड आ सकता है पीछे से। तो एक सूट ये है जो कि जिसका कपड़ा जॉर्जेट है और सिंपल सूट मैंने स्टिच कराया है। ये राउंड शेप नेक है इसकी और बलून वाली इसकी स्लीव्स हैं, अगर आपको नज़र आ रही होंगी तो हल्की बलून में इसकी स्लीव्स हैं। ये इसकी शर्ट है, और ये इसकी शलवार है बेल्ट वाली। और ये इसका दुपट्टा है, ये कॉटन में नहीं है, ये जॉर्जेट का कपड़ा है। तो देखें इसका डिज़ाइन और पैटर्न, ये काफ़ी प्यारा सूट है ब्लैक में। ये देखें इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा, और ये इसका दुपट्टा। तो फर्स्ट सूट हो गया है ये, और इसके बाद मैं सेकंड वाला सूट आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसकी शलवार, और ये भी कपड़ा जॉर्जेट है, ये कॉटन में नहीं है। और ये इसकी शलवार है, इसमें फ्रिल्स हैं, यहाँ पर बारीक बारीक फ्रिल्स डले हुए हैं, और ये बलून टाइप में है जो कि अब चल रही है, काफ़ी ट्रेंड में है ये वाली शलवार। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखें, तो इस तरह से इसकी मोरी हैं। यह इसकी शलवार, और ये इसकी फ्रॉक है, इसके साथ मैंने फ्रॉक स्टिच कराई है, और ये इसकी फ्रॉक बनवाई है मैंने, और नेक सबके राउंड शेप में ही है। मुझे राउंड शेप में नेक पसंद है ज़्यादातर मेरे नेक इसी शेप के रहते हैं। ये देखें ये इसकी फ्रॉक है, और इसकी भी स्लीव्स बलून वाली हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला सूट। इसके बाद आते हैं हम थर्ड सूट की तरफ। तो ये मेरा सूट है जो कि कॉटन में है, और ये सिंपल बेल्ट वाली शलवार है इसकी। और इसके साथ भी मैंने फ्रॉक ही बनवाई है,
बट ये जॉर्जेट नहीं है, ये प्योर कॉटन है। तो ये इस तरह से मैंने स्टिच कराई है। इसके भी गले की शेप राउंड ही है, लेकिन ये बोट नेक गला है जो कि थोड़ा उसकी शेप फैली हुई रहती है। तो ये बोट नेक गला बनवाया है इसका मैंने। और इसकी स्लीव्स हल्के से फ्रिल के बाद ये कफ वाली स्लीव्स हैं इसकी। और बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक लग रही है। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है। तो ये थर्ड सूट हो गया है मेरा। और इसका दुपट्टा ये था ब्राउन, और ये दुपट्टा हिजाब वाला है जो जिसे हम हिजाब में भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हल्के से इसमें रिंकल वाला कपड़ा है और कॉटन है। ये इस टाइप के हिजाब अभी ट्रेंड में हैं। ये देखें, हल्की सी शाइन भी है इस कपड़े में। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो ये इसका दुपट्टा मैंने बनाया है। इसके बाद में हम आते हैं फोर्थ सूट की तरफ। तो ये फिर से ये बेल्ट वाली शलवार है सिंपल, और ये इसमें चिट्स लगी हुई हैं, कोई इसमें स्पॉट नहीं है, ये चिट्स लगी हुई हैं कपड़े में, जैसे चिट्स आती हैं। ये मैंने वॉश भी किया है, पता नहीं फिर भी ये ठीक से निकली नहीं है, तो ये मैं बाद में कर लूँगी। अभी फ़िलहाल आप इसे देखें। ये इसका कलर, ये क्या कलर है, वाइन कलर है इस सूट का। तो ये शलवार है इसकी। और इसके बाद ये इसकी इसकी कुर्ती है जो कि इस तरह से है। और मेरी कुर्ती, कोई भी कुर्ती मेरी शॉर्ट नहीं है। ये देखें, और वो जो मैंने सूट्स दिखाए हैं वो सारे सूट्स मेरी सिस्टर ने स्टिच किए हैं, और ये वाला सूट मैंने स्टिच किया है। ये देखें, इसकी स्लीव्स मैंने ऐसे ही बनाई हैं, लाइट अम्ब्रेला, ज़्यादा इसमें फ्रिल नहीं है, हल्की सी। इसका नेक डिज़ाइन है जो कि ये भी बोट नेक में है। ये देखिए, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका कलर और डिज़ाइन भी। तो ये सूट हो गया है हमारा कंप्लीट। इसके लिए मैंने एक ये दुपट्टा लिया है। ये दुपट्टा हल्का सा रिंकल इस दुपट्टे में है, और ये कॉटन का नहीं है, ये शिफॉन का दुपट्टा है। ये देखें, तो ये डबल शेड में दुपट्टा है। और इसके साथ में ये वाला भी मैच कर सकती हूँ। मैंने दो दुपट्टे मंगाए थे, एक ये हिजाब वाला, वही जो मैंने अभी आपको ब्राउन में दिखाया है, और सेम उसी में का ये मैरून कलर का है। ये वाइन कलर नहीं है, थोड़ा लाइट है। ये देखें आप, ये वाइन कलर है और ये इससे थोड़ा लाइट है। तो ये सेम वही कपड़ा है, हिजाब वाला, हिजाब की तरह भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये दो मैंने दुपट्टे मंगाए हैं, जो मुझे ठीक लगेगा मैं इस पर मैच कर लूँगी। तो एक ये सूट हो गया है हमारा कंप्लीट। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कौन सा सूट सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
तो इसके बाद लास्ट सूट हमारा है जो कि कॉटन ही है। तो एक सूट ये है मेरा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है इसकी, और कलर भी इसका बहुत प्यारा है, पीच कलर और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ये है इसकी शलवार, सिंपल बेल्ट वाली है, ज़्यादा इसमें फ्रिल नहीं है। उसके बाद ये इसकी कुर्ती है जो कि मैंने बताया है कि शॉर्ट नहीं है। ये देखें, इसका गला भी सिंपल है, राउंड नेक में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखें, और इसकी स्लीव्स भी मैंने ऐसी ही बनवाई हैं। ज़्यादातर अब की बार मैंने सारे सूटों की स्लीव्स इस तरह की बनवाई हैं जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल भी होंगी, क्योंकि ये लूज़ रहती हैं, यहाँ फ्रिल आने की वजह से थोड़ी लूज़ में रहती हैं और ट्रेंड में भी हैं, और इनका लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये सूट भी काफ़ी प्यारा लग रहा था, और इसके साथ दुपट्टा मुझे नहीं मिला है, ये देखें, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है और कंफर्टेबल भी है बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ मुझे दुपट्टा नहीं मिला था, तो मैंने अलग से दुपट्टा इस पे लगाया है, जैसे कि इसमें गोल्डन प्रिंट है तो मैंने इसके लिए ये मैच किया है गोल्डन दुपट्टा, और ये कॉटन का ही है, बट प्योर कॉटन ये नहीं है, इसमें कोई और भी थ्रेड है सिल्क का, तो ये मैंने इस पे मैच किया है। तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसे लगे हैं ये ड्रेसेस और डिज़ाइंस कैसे हैं सबके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।